पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये कहानी है बेबी सोनिया की, वो सोनिया जो आगे जाकर बनी मशहूर मारुफ अभिनेत्री नीतू सिंह। मुझे ही नहीं, सारे शहर को मालूम है। जन्म 8 जुलाई सन 1958 में हुआ था। इनका जन्म राजधानी दिल्ली में हुआ। माँ का नाम राजी कौर और पिता दर्शन सिंह, और बहुत छोटपन में ही इन्होंने बॉम्बे की तरफ रुख किया। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई के हिल ग्रांज हाई स्कूल पेडर रोड पर। हाँ टीचर, इस कहानी के आधार पर मेरे पिताजी ने मुझे एक गाना सिखाया है। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि एक बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। किरदार बड़ा अच्छा था और नन्ही सोनिया की मम्मी ले गई इसे ऑडिशन के लिए। जैसे ही बेबी सोनिया कमरे में दाखिल हुई, प्रोड्यूसर साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही इस बच्चे ने कह दिया, ये क्या तरीका है अंकल बैठने का, आपने पांव टेबल पे क्यों रखे हुए हैं और शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं, आपकी मम्मी आपको डांटती नहीं है क्या। प्रोड्यूसर हैरान रह गया, उसने पांव नीचे करे, शर्ट के बटन लगाए और कहा कि यही बच्ची चाहिए, बस बाकी की ऑडिशन कैंसिल कर दो। और इस तरह से बेबी सोनिया की शुरुआत हुई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म दो कलियां में इनका अभिनय देखते ही बनता था, जिसमें इनकी माँ की भूमिका निभाई थी माला सिन्हा ने और पिता विश्वजीत। गौर करने वाली बात ये भी है कि इस फिल्म में नीतू सिंह का डबल रोल था। बात तो ठीक है, क्योंकि हम दोनों की सूरत एक सी है। उसके बाद सन 1972 आया जब इनका ऑडिशन हुआ फिल्म रिक्शा वाला के लिए। बहुत सारी लड़कियों को ऑडिशन किया गया था पर सिलेक्शन इनका हुआ, और इनके हीरो भी वो हुए जो आगे जाकर इनके जेठ बने। जी हाँ, रणधीर कपूर। आपकी कसम एक दिन सनम, ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। हालांकि फिल्म रिक्शावाला बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उसके बाद 1973 की फिल्म यादों की बारात में एक जबरदस्त गाना आया जिसमें नीतू सिंह ने ऐसा डांस किया कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन्हें नजरअंदाज न कर सके। रणधीर कपूर के साथ ये नजर आई फिल्म कस्मे वादे में भी, और अपने भाभी ससुर शशि कपूर के साथ ये नजर आई थी फिल्म दीवार में। तुम कौन होती मेरी जाती मामलात में दखल देने वाली, कान खोल कर सुन लो, मैं बालिक हूँ, मुझ पर किसी का जोर दबा नहीं चल सकता। गौर करने वाली बात यह है कि जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी का निर्माण करने वाले थे तब भी नीतू सिंह को ऑडिशन किया गया था। कॉम्पिटिशन जबरदस्त था डिम्पल कपाड़िया और नीतू सिंह के बीच। राज कपूर ने यह फैसला छोड़ा उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के ऊपर और पूछा कि बताओ इन दोनों में से कौन बेहतर है। सिमी ग्रेवाल ने डिंपल कपाड़िया पे हाथ रखा और राज कपूर साहब ने कहा, मुझे भी डिंपल ज्यादा अच्छी लगी। पर फिल्म के हीरो ऋषि कपूर की किस्मत कुछ और ही कहानी बयां करने वाली थी, क्योंकि ऋषि कपूर को नीतू सिंह ज्यादा अच्छी लगी और उनके साथ रोमांस के बाद इनकी शादी भी हो गई। बहुत ही जल्द नीतू सिंह को बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में मिलने लगी। धर्मवीर, परवरिश, जानी दुश्मन, अदालत, दीवार, काला पत्थर, और ये फहरिस्त बाकी बहुत लंबी है। सुपरस्टार ऋषि कपूर और अपने भाभी पति के साथ इन्होंने 11 फिल्मों में काम किया। रफू चक्कर, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गईं। तुम फिल्म नहीं देखते क्या? नहीं, नहीं। अरे हर लड़की के घर वाले यही बोलते हैं। अच्छा, मैं चुपके चुपके मिलाया करूंगी, तुम राय सबसे नहीं बोला। वो क्यों भाई? नहीं बोलना। इन दोनों की जोड़ी देखते ही बनती थी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर का लव अफेयर इतना बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा था, एक दिन अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा। बात दरअसल यूं रही कि फिल्म याराना के एक गाने की शूटिंग चल रही थी जिसमें नीतू सिंह भी मौजूद थी, पर इन्हें याद आ रही थी ऋषि कपूर की। लंच ब्रेक के दौरान ये रो पड़ी। बच्चन साहब ने पूछा कि आगे बात क्या है, और जब बच्चन साहब को ये पूरा मामला पता चला तो नीतू सिंह को छुट्टी दी गई और कहा गया कि जाएं ऋषि कपूर के पास। इसलिए उस गाने में नीतू सिंह सिर्फ एक अंतरे में नजर आती हैं, बाकी की पूरी शूटिंग अमिताभ बच्चन को ही करनी पड़ी थी, और गाना था सारा जमाना हसीनों का दीवाना। नीतू सिंह की मम्मी को भनक लग गई थी ऋषि कपूर के साथ इनका प्रेम संबंध परवान चढ़ रहा है। भाई है? किसका भाई?
ओ मेरे भाई जी, मेरे भाई साहब, आप कहाँ थे? मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ। जब चिंटू जी ने यह इजाजत मांगी वो नीतू को बाहर ले जाएं डेट पर, तब नीतू सिंह की मम्मी ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। बैंगलोर से नीतू के एक कजन को बुलाया गया और कहा गया कि जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे तुम भी इनके साथ जाओगे। पर ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने भी ठान लिया था कि टाइम तो अकेले ही बिताएंगे, और घर से बाहर निकलते ही इनके कजन को बोल दिया कि तुम जाओ पूरा मुंबई शहर घूमो, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। सन 1980 के आते आते इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी पहली संतान पैदा हुई 15 सितंबर सन 1980 को, नाम रखा रिधिमा। उसके बाद सन 1982 में पैदा हुए रणबीर कपूर, तारीख 28 सितंबर। We are in this profession because we love it. शादी के बाद नीतू कपूर ने फिल्मों से किनारा कर लिया। बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने साइन कर रखी थीं और इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट्स वापस कर दी। नीतू सिंह उस उम्र में रिटायर हुई फिल्मों से जब हीरोइंस काम की शुरुआत किया करती हैं। अपने अर्ली 20s में ही नीतू कपूर ने फिल्मों से किनारा किया और बहुत बरसों के बाद ये नजर आईं फिल्म लव आजकल में। उसके बाद ऋषि कपूर के साथ ही नजर आईं दो दुनी चार में। नीतू कपूर एंड फैमिली नजर आई थी फिल्म बेशरम में भी, और जब भी ये स्क्रीन पर आती हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि सिल्वर स्क्रीन इनसे बेहद मोहब्बत करती है। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान की इस बहू ने बड़ा नाम कमाया है। मशहूर फिल्म मेकर नाना भाई भट्ट की ये पोती हैं, जबरदस्त फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी, नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च सन 1993 में हुआ। इनके पिता का नाम महेश भट्ट और माँ सोनी राजदान। इनके एक कजिन हैं इमरान हाशमी, जो कि फिल्मों में बड़े जबरदस्त सीरियल किसर के नाम से मशहूर हैं। आलिया भट्ट सन 1999 में संघर्ष फिल्म में नजर आई थीं बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, और उसके बाद इन्होंने अपना बचपना छोड़ा ही था कि जवानी की दहलीज पर करण जौहर ने इन्हें पकड़ लिया और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बतौर हीरोइन इन्हें प्रस्तुत कर दिया दुनिया के सामने। इनके पिता गुजराती हैं और माँ कश्मीरी और जर्मन। इनकी एक बड़ी बहन है जिनका जन्म सन 1988 में हुआ था, नाम शाहीन भट्ट। You know, I think I shop really quickly, so I shop alone, but I think my sister has always been my most favorite shopping partner. और दो सौतेले भाई बहन भी हैं, एक का नाम है पूजा भट्ट और दूसरा राहुल भट्ट। आलिया भट्ट को अक्सर स्कूल में लोग पूछा करते थे वे तुम्हारे पिताजी के कितने बच्चे हैं, वो लोग थोड़ा सा तंज भी मारते, पर आलिया जानती थी कि इनके पिता ने ये बात साफ कर रखी थी कि भाई सोनी मेरी दूसरी बीवी है, और जितना प्यार मैं सोनी को करता हूँ, आलिया को करता हूँ, शाहीन को करता हूँ, उतना ही प्यार पूजा और राहुल को भी करता हूँ। आलिया भट्ट दरअसल बॉलीवुड में करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन है, और इनकी पहली फिल्म में इनकी अदाकारी को देखकर बहुत से लोगों ने कहा था ये करीना कपूर का स्टाइल बखूबी जानती हैं। I don't think I'm sexy, so I can't say what my sex appeal is. But I shall know you. आलिया की आवाज बड़ी खूबसूरत है। इन्होंने फिल्म हाईवे में एक बड़ा ही बेहतरीन गाना गाया था। म्यूजिक डायरेक्टर थे जिसके एआर रहमान। वो और बात है कि एआर रहमान ने इन्हें खुद पर्सनली ट्रेनिंग दी थी उसके बाद गाने का मौका। आलिया भट्ट को फ्लॉप फिल्मों से गहरा धक्का पहुंचता है। जब ये छोटी थी तब एक बार ये स्कूल रेस हार गई थी और इन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई थी, ये बहुत रोई थी। एक से बढ़कर एक फिल्में इन्होंने की, लेकिन जब फिल्म शानदार की रिपोर्ट शानदार नहीं आई तो इनका दिल बहुत दुखा। यकीनन आलिया भट्ट बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज इनके इर्द गिर्द आती हैं। कभी इनकी जनरल नॉलेज का मजाक उड़ाया जाता है तो कभी किसी हीरो के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। So many. There was one. लेकिन जब ये उड़ता पंजाब जैसी फिल्म में अपना सशक्त अभिनय दिखाती हैं तो सबकी जुबान पे ताला लग जाता है। भारतीय सिनेमा के भविष्य में आलिया भट्ट यकीनन और भी बड़ी अच्छी फिल्मों में नजर आएंगी। महान शो मेकर राज कपूर साहब के पोते, जिनका नाम भी अपने दादा के नाम पे ही रखा गया, रणबीर कपूर। जन्म 28 सितंबर सन 1982 में हुआ।
पिता ऋषि कपूर और माता नीतू कपूर खुद बड़े जबरदस्त अभिनेता और अभिनेत्री रहे। We are in this profession because we love it. पर दादा पृथ्वीराज कपूर ने पहले से ही इतिहास रच रखा था। अरे काहे को ऐसी बात कह रहा है? और अभिनय तो कपूर खानदान के बच्चों की रगों में दौड़ता है और यही साबित किया रणबीर कपूर ने भी। Opportunity to entertain them. Yes, Mr. Prithviraj Kapoor started it. My grandfather, Mr. Raj Kapoor, showed the way. You know, my fathers, my uncles, my grand uncles, my cousins, we all are in this profession is because we get so much of love and reciprocation from the audience. रणबीर कपूर की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई। हालांकि पढ़ाई लिखाई में रणबीर कपूर खास अच्छे नहीं थे। रणबीर कपूर की एक बड़ी बहन भी हैं, नाम है जिनका रिधिमा। ये बात तो सही है कि रणबीर कपूर का जन्म बहुत ही बड़े स्टार परिवार में हुआ, पर इस परिवार की कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं जिन्होंने नन्हे रणबीर को जरा परेशान भी किया। माता पिता के बीच अक्सर झगड़े और वाद विवाद चलते थे। कभी कभी आवाजें इतनी ऊंची हो जाया करती थीं कि नन्हा रणबीर अपना सर अपने घुटनों के बीच छिपा लिया करता था और सुबह तक इंतजार करता था कि कब माँ बाप की लड़ाई बंद हो। इस वजह से जज्बातों का एक ज्वार भाटा रणबीर कपूर के जहन में हमेशा पनपता रहा और यही वजह रही कि इन्होंने सोच लिया कि अब अपने जज्बात निकालूंगा तो वो फिल्मों के जरिए ही। रणबीर अपनी माँ नीतू कपूर के बहुत नजदीक हैं। She is the happiest person in the world when something is related to me. पर पिता ऋषि कपूर के साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं है। उम्मीद तो मैं इतनी रखता नहीं हूँ, बट मिलता है तो अच्छा है, सोने पे सुहागा होता है। ये बात भी गौर करने लायक है कि जब रणबीर कपूर ने अपनी 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दिए, उसके बाद ये अमेरिका गए अपने पिता के साथ फिल्म आ अब लौट चले में मदद करने के लिए। ये फिल्म ऋषि कपूर खुद डायरेक्ट कर रहे थे और बतौर सहायक रणबीर को भी अपने साथ रखा। ये वो वक्त था जब पिता और पुत्र के बीच की दूरियां जरा खत्म हुई। I feel very good about it. जब रणबीर कपूर वापस मुंबई आए तब इन्होंने मन बनाया कि क्यों ना असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह ही काम किया जाए और ये जबरदस्त फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। फिल्म थी ब्लैक, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी। तो कुछ काम शुरू नहीं हुआ है फिलहाल, तो मैं सिर्फ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। रणबीर कपूर के लिए बड़े कष्टदायक दिन थे ये। सुबह 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक ये बिना रुके काम करते थे, चाहे वो लाइट्स का काम हो या फिर जमीन साफ करने का। हालांकि ये बात भी रणबीर कपूर के जहन में थी कि ब्लैक में ये असिस्ट तो कर रहे हैं, पर क्या पता इससे इन्हें मौका मिल जाए कि संजय लीला भंसाली इन्हें लॉन्च करें। और ठीक वैसा ही हुआ। सोनम कपूर के साथ रणबीर नजर आए संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में। इस फिल्म में सलमान खान भी नजर आए थे भले ही कुछ देर के लिए। कौन जानता था कि एक वो वक्त भी आएगा जब सलमान और रणबीर को लेकर ही कुछ अजब बातें सामने आएंगी। 2007 में आई सांवरिया और सन 2009 तक आते आते 3 बड़ी जबरदस्त फिल्में सामने आईं, जिसमें एक फिल्म रही वेक अप सिड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने। प्रकाश झा की मल्टी स्टारर फिल्म राजनीति में भी रणबीर कपूर नजर आए थे और ये फिल्म अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित नजर आई। फिल्म पर काम कर रहे थे तो किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ये फिल्म चलेगी या ना चलेगी। सब जानते थे नया सितारा आ गया है। इसके बावजूद कि पहली फिल्म सांवरिया बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं दिखा पाई थी। रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीद बन गए। लगा कि एक बार फिर एक कपूर ऐसा आया है जो सबको हिला के रख देगा, और ठीक वैसा ही हुआ। इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में जनार्दन जॉर्डन जाखड़ की भूमिका में रणबीर कपूर ने ये साबित कर दिया कि ये रोमांस भी करना जानते हैं और जज्बाती सीन्स भी। अपनी एक्टिंग की तैयारी के लिए ये दिल्ली के एक जाट परिवार के साथ रहे ताकि सीख सकें वो सब कुछ जो उनके किरदार के लिए जरूरी था। किरदार है जनार्दन जाखड़, ये एक जाट बॉय है दिल्ली का। रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी को कौन भूल सकता है, इसे भी अयान मुखर्जी ने ही डायरेक्ट किया था और इस फिल्म ने एक बहुत बड़ी दीवार गिरा दी थी। बात दरअसल यूं रही, जब रणबीर कपूर फिल्मों में आए तब फिल्म बचनाए हसीनों की शूटिंग के दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ी इनकी हीरोइन दीपिका पादुकोण के साथ। बात यहां तक पहुंच गई थी कि दीपिका पादुकोण ने अपनी गर्दन पे एक टैटू बनवाया था और उस टैटू में लिखा था RK। हालांकि कुछ वक्त के बाद ये रिश्ता टूट गया। और जब फिल्म ये जवानी है दीवानी की प्रमोशन शुरू हुए तब रणबीर कपूर ने बहुत सारी बातें साफ की। यहाँ तक कहा कि वो दीपिका के बच्चों के गॉडफादर बनना चाहते हैं।
गॉडफादर का मतलब क्या होता है कि समवन हु यू रियली आर फॉन्ड ऑफ, उनके जो बच्चे होंगे, यू वांट द किड्स टू काइंड ऑफ लुक अप टू, यू वांट टू काइंड ऑफ मेंटोर द किड्स, यू नो, यू वांट टू गिव देम करेक्ट वैल्यूज. पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो जरूर होंगे. रणबीर कपूर के करियर में जहां हिट्स रही तो वहां पर कुछ ऐसी फिल्में भी रही जिन्होंने वो सफलता हासिल नहीं की. पर इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने आई जिन्हें देख के ऐसा लगा कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक रिश्ते में हैं. ये बात भी कही गई कि अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये नजदीकियां बढ़ी थीं। Yes, I would love to be a part of it. रणबीर कपूर ने अपनी मम्मी नीतू कपूर और पिता ऋषि कपूर के साथ फिल्म बेशरम में काम किया, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुंह गिरी. The few times that the entire film fraternity comes together to celebrate each other's work. If you win, you win. If you lose, it's fine. Another year, another award. बहुत ही कम वक्त में रणबीर कपूर ने वो शोहरत हासिल कर ली जो बड़े बड़े एक्टर्स के लिए हासिल करना बहुत ही मुश्किल बात है. So I hope I don't mess it up. डांस हो कि रोमांस हो, जज्बात हो कि गाना हो, रणबीर कपूर की प्रतिभा का हर आयाम गहरा असर छोड़ता है. If you do things from an honest place, do things that you believe in, you know, you will be successful. So I feel great that it's been honored. भारतीय सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान का ये चिराग एक अनोखी रोशनी बन के आया है.